कौन? मुगीज बात कर रहा हूँ। कमाल है यार, तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया हुआ। जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यों? हम अजनबी तो नहीं है। तुमने क्यों फोन किया है? कोई काम है तुम्हें? अभी तुम्हारे घर कोई आया था बाइक पे? क्यों पूछ रहे हो? अरे मोहल्लेदार हो, ख्याल रखना पड़ता है, और जब दिल का मामला हो तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखो मुगीस, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, कोई खुशफहमी ना रखना। तुम्हारी और मेरी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम क्या चाहते हो कि वो खराब हो जाए? हानिया, मैं चाहता हूँ हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैंने कभी गौर नहीं किया। तो कर लो गौर। मैं कौन सा कल रिश्ता भेज रहा हूँ तुम्हारे घर? मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी फोन पे अनिया से। फिर क्या कहा उसने? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। या तो उसको भी शादी नहीं करनी है, या उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे वाह, मेरे भाई में क्या कमी है? पता नहीं, उसको लगती होगी शायद कोई। आप मुझे अम्मी से क्यों नहीं बात करने दे रहे? वो तो राजी हो जाए, ये ना होना कि मम्मी रिश्ता लेके जाए और वहाँ पर इनकार हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको पता है मुनज़्ज़ा ने मुझे क्या बताया? हानिया जिस शादी में भी जाती है ना, उसका एक आध रिश्ता आ जाता है। क्या करूँ मैं? एक आखिरी बार कोशिश करके देखें, वरना अम्मी को जाने दें। अम्मी फिर वही बात करेंगी, पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, तुम कहाँ शादी के चक्कर में लग गए हो। कुछ नहीं होता, मंगनी तो हो रही है सिर्फ। बहन हो तो ऐसी यार, आप जीनियस है, मंगनी भी तो हो सकती है। आइए अच्छा प्लान है। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे, करे हर पल हसीन, सिर्फ ग्रीन।